हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल इजी स्विंग ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज मैं शेयर कर रही हूँ अम्ब्रेला टॉप बनाने का बहुत आसान तरीका। अगर आप हमारे वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल स्टॉक माय क्लोज़ेट पर देख सकते हैं। इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल बटन पर भी क्लिक करें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं ये मेजरमेंट यूज़ करूँगी, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले कपड़े को लेंथ में फोल्ड करेंगे। अब एक कोना लेंगे और इस तरह फोल्ड करते हुए दूसरी ओर मिला देंगे। और ये होगी टॉप की लेंथ। कटिंग के लिए मैं इस बेसिक बॉडीज को यूज कर रही हूँ। इसकी कटिंग मैं पहले बता चुकी हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी जो है 34 इंच, और इसके आगे 1/4 इंच पर निशान लगाएंगे दबाव के लिए। अब इसे कमर तक ट्रेस कर लेंगे। इसके आगे मैं टॉप को ए लाइन शेप दूंगी इस तरह। और अब घेरे का निशान लगाएंगे। तो निशान लग गया है, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच, और ये 6 इंच डीप है। 1/2 इंच दबाव के लिए लेंगे, तो मैं यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब फिर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। मैं यहाँ गोल गला बना रही हूँ, आप कोई भी शेप बना सकते हो। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। मैंने आगे और पीछे सेम गला रखा है। अब मैं फ्रंट आर्म होल का निशान लगाऊंगी, बैक को अलग कर लेंगे और फ्रंट को फिर से फोल्ड करेंगे। और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग कंप्लीट है, अब मैं रेप पट्टी काटूंगी गले और आर्म होल की फिनिशिंग के लिए।
सबसे पहले मैं शोल्डर पर सिलाई लगाऊंगी। अब इसे इंटरलॉक करेंगे। तो मैंने दोनों तरफ शोल्डर पर सिलाई लगा ली है और इंटरलॉक भी कर दिया है। अब गले और आर्महोल की फिनिशिंग करेंगे रेप पट्टी के साथ। रेप पट्टी को आर्महोल पर रखेंगे सीधी साइड अंदर की तरफ और सिलाई लगाएंगे। अब रेप पट्टी को अंदर की तरफ मोड़ेंगे इस तरह और यहां पर सिलाई लगा देंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है, अब एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। अब इस फोल्ड को पूरा अंदर की तरफ मोड़ेंगे और सिलाई लगा देंगे। और इसी तरह मैं दूसरे आर्म होल की और गले की फिनिशिंग कर दूंगी। तो गला और आर्म होल तैयार हैं। अब मैं घेरे पर पीको करूंगी। अगर आप पीको नहीं करना चाहते हैं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। पीको के लिए मैं इस पीको फुट का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने पूरे घेरे को पीको कर लिया है।
अब मैं दोनों तरफ साइड की सिलाई लगाऊंगी। और इसी के साथ मेरा टॉप बनके तैयार है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहना हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।